हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल किचन स्कूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की रेसिपी एक बहुत ही सिंपल और फ्लेवरफुल साइड डिश की रेसिपी है, जो है क्रिस्पी भिंडी फ्राई। ये एक साउथ इंडियन डिश है जिसमें भिंडी को पीनट्स के साथ फ्राई किया जाता है। तो फिर चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मूंगफली और इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और ये स्प्लैटर करना बंद ना कर दे। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में यहाँ पे हम 2 लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 कप चॉप किया हुआ भिंडी डालेंगे। अब इस भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 छोटा चम्मच चना दाल और थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता और इसमें हम डालेंगे 2 गार्लिक का क्लोव्स जिसे हमने क्रश कर लिया है। अब इसे हम 3 मिनट और फ्राई कर लेंगे। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि भिंडी जल ना जाए। अब 3 मिनट बाद इसके अंदर जाएगा 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से श्रिंक हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो मीडियम ही रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम फ्राई किया हुआ मूंगफली ऐड कर देंगे और इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चिली पाउडर ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर लेंगे। तो हमारी क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे राइस और दाल के साथ एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें।